हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10 बोर्ड 2021 के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ कवर अप कर सकूं। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो आपके एसर्शन रीजनिंग हो, क्या आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन दिया है हमको, इन द गिवन फिगर ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, O is the intersecting point of OA, OC and OA, BC. ठीक, is a square of side 4 unit. ठीक है, OA, BC हमको already square दिया है बेटा, है ना, 4 unit. ये दिया हमको 4 unit. ठीक है, then the position A, B and C is. तो A, B, C की position निकालना है. तो बिल्कुल simple है. अगर O को मैं origin मान लूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 0.0 पॉइंट, करेक्ट है। तो 0 से अगर हम यहाँ पर x एक्सिस में मूव करेंगे तो a के कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए 4.0, करेक्ट है। अगेन 4 से यहाँ पर b में 4 मूव करूंगा तो b के कोऑर्डिनेट हो जाने चाहिए 4.4, और अगेन अगर मैं c के कोऑर्डिनेट निकालूंगा क्योंकि ये y एक्सिस में लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका 0.4, करेक्ट है। तो ए बी सी के हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। आप चेक कर लो, 4.0, 4.4 और 0.4, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 4 क्योंकि ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमको बोला था, तो ए 4.0 है, बी 4.4 है और जो सी है वो 0.4 है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द गिवन फिगर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस इज। तो अब देखो, सीधी सीधी बात है, ऑर्डिनेट का मतलब कभी भी याद रखो, कार्टेशियन प्लेन में एक्स कॉमा वाई, x आपका अपसिस्का, x को हम अपसिस्का बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट पूछा है, यानी y कंपोनेंट हमसे पूछा हुआ है p q r s पॉइंट का। तो आप देखो, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2.3, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2.4, ठीक है, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5.-3, और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समथिंग 5.-1। अब आप चेक कर लो ना, आपका ऑर्डिनेट बोला था तो भाई P का ऑर्डिनेट है 3, तो P का ऑर्डिनेट 3, यानी B और C में से कोई ऑप्शन होना चाहिए 3, और Q का ऑर्डिनेट है 4, ठीक है, R का ऑर्डिनेट है -3, तो ऑप्शन इज बी, 3, 4, -3 और इसका है -1, ऑर्डिनेट यानी वाई वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एज शोन इन द डायग्राम विल बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट निकालना है ना, 9th क्लास का बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ढूंढना, पी बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 2, अब ये y एक्सिस में नीचे की तरफ है ये, है ना, तो 2.-3 हो जाएगा, 2.-3 मस्ट बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं, ठीक, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 6 and 4 यूनिट। ठीक है, लेंथ 6 यूनिट है और ब्रेथ जो है वो 4 यूनिट है रिस्पेक्टिवली, इट्स वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। एक काम करते हैं, सेम अभी जो क्वेश्चन बनाया हम वैसे ही कर लेते हैं, इसको मैं ए बी सी डी मान लेता हूं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और ये जो वर्टेसिस ए है इसको ओरिजिन मान लेता हूं 0.0, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। तो बताओ अब मेरे को, अगर ये ओरिजिन है बेटा, तो क्या हम सारे बी सी डी के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, देखो इस टाइप से, है ना, ये आपका इस टाइप से, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स सिक्स है, वाई जीरो है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स सिक्स है, वाई फोर है, 6.4, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट क्योंकि वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स जीरो रहेगा और वाई कितना है आपका, 4 यूनिट है वाई आपका, 0.4। तो आपसे क्या बोल रहा था, द इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस,
शुक्र है मैंने पहले ही लॉन्गेस्ट साइड को एक्स एक्सिस में ही लिया है। एंड वन ऑफ द वर्टिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ हो गई गड़बड़, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया, अब एक वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोल रहा है इसका मतलब ये फिगर मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। इसलिए इससे क्या पता चला आप लोगों को कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, बाद में आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। खैर, पूरा सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा बेटा, लेकिन क्योंकि मैंने ये वर्ड नहीं देखा, लास्ट में लिखा हुआ था सेकंड क्वाड्रेंट, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं बना लेता हूँ, वापस से अपन बना लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक वर्टिसेस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में 6 यूनिट है, वाई में 4, और ये एक सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है, करेक्ट है। तो अब इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, जैसा भी आप नेमिंग देना चाहो। अब आपके क्योंकि अब वर्टेक्स बदल गया ना, कार्टेशियन प्लेन है भाई, कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे, इसलिए मुझे रब करके वापस से बनाना पड़ा। अब मैं अगर बी पॉइंट का निकालूंगा ना, तो बी पॉइंट का तो खैर सेम रहेगा 0,4। सी पॉइंट का बदल जाएगा, सी पॉइंट का एक्स यहाँ पर अब लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, तो -6, वाई पॉजिटिव है 4। और डी पॉइंट का अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा -6, और एक्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ए का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 0,0। तो 0,0 ठीक, -6,0 या 0,0 और 0,4। ये देखो मेरे को ये दोनों ऑप्शन बी और सी में से हो सकता है, 0,0, 0,4, -6,4। तो -6,4 और -6,0, ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर बेटा। देखो 0,0, 0,4, -6,4 और -6,0, तो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द पॉइंट पी -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ट्रू फॉल्स कांट से पर्टिकुलरली ट्रू और फॉल्स। अब देखो सीधी सीधी बात है, बोला है पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये पॉइंट पी इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कैसे चेक करोगे, आपको याद है? इसके लिए हम कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं और बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हिंट। अब देखो द पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट को पी ले लेता हूं मैं, -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये है लाइन सेगमेंट आपका, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -4,6, और बी के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको -4,-6। तो अब हमको ये बताना है कि भाई ये पॉइंट इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा, ट्रू है फॉल्स है कि कांट से, क्या बोल सकते हैं आप? तो सीधी सीधी बात है, कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दो, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो बी पॉइंट इस लाइन में लाई करेगा, नहीं तो लाई नहीं करेगा भाई, ठीक है। और कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है आपके, इसमें दो ही आपने पढ़ा है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आपने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी है कि एपी पीबी और एबी, आपको तीनों के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगेन आई एम रिपीटिंग, एपी पीबी और एबी तीनों का डिस्टेंस आप निकाल लो। अगर एपी का डिस्टेंस प्लस पीबी का डिस्टेंस एबी के डिस्टेंस के बराबर होगा तो ये कोलिनियर होगा, यानी पी लाई करेगा, नहीं तो पी लाई नहीं करेगा। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैं आपको कंडीशन भी बता दिया। आप पहले एपी का डिस्टेंस निकालो, फिर पीबी का डिस्टेंस निकालो, दोनों का सम करो, अगर ये दोनों का सम एबी के डिस्टेंस के बराबर आ रहा होगा तो ये पॉइंट लाइक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग का ये आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखो जरा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब देखो यार ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब आपको बोला है कि जो पॉइंट इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ कितना है, तो कभी भी याद रखना कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में अगर होता है, चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो ये एक पॉइंट ले लिया 2,3, इसको इस टाइप से देखना हमेशा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट इट बी पी 2,3, करेक्ट है। अब वो बोल रहा है कि यार इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, अरे सीधी सीधी बात है, ये पॉइंट तुमने बनाया कितना होगा, जब आप ये ओरिजिन से यहाँ पर एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चल के आए होंगे और ऊपर कितना मूव किया होगा, 3 यूनिट मूव किया होगा, तो भाई एक्स एक्सिस से कितने दूरी में है बेटा,
ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, यानी ये देखो ये है आपका पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस में है, दैट इज 3 यूनिट, है ना। तो आंसर आ जाएगा 3 यूनिट, आंसर मस्ट बी द 3 यूनिट। अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो, है ना। तो आंसर आना चाहिए 3 यूनिट। नेक्स्ट देखो सेवेंथ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज, अब ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यानी माइनस वन प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस फाइव माइनस सेवन का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये फाइव का स्क्वायर प्लस अगेन ये माइनस माइनस प्लस सेवन प्लस थ्री टेन इलेवन ट्वेल्व, तो ये माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस 144, तो ये हो जाएगा 567 9, है ना, और 456 169, तो यार ये 13 आ जा रहा है सीधा सीधा, है ना। तो डिस्टेंस मस्ट बी द 13 यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, चलो ठीक है। चलो देखो, अब cos थीटा sin थीटा का टर्म जब आ जाता है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। अरे भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपका नवंबर में, और आप मेरे हिसाब से तो आप लोग सारे चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए होंगे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, तो मैं उसी को कंसिडर करके ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, अभी हमने पुट किया अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं ना, पहले देखो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, उसको अपन सेपरेट सॉल्व करते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, ये एक पॉइंट दिया हुआ है हमको, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है हमको जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो अब हमको ये दोनों का डिस्टेंस निकालने बोल रहा था, तो निकालते हैं इन दोनों का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला तुरंत लगा देंगे, एक्स निकालते हैं अंडर रूट ऑफ, अच्छा देखो मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस को बनाओ, आप ध्यान रखो कि आप एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, आपको बिल्कुल शॉर्टकट वे में सॉल्व करना है। तो मेरी भी अप्रोच कुछ वैसे ही है कि क्वेश्चन को हम देखें, वैल्यूज को हम डायरेक्ट प्रूट करें और आंसर निकालें, क्योंकि हमको लिखना तो है नहीं बेटा, ऑप्शन करेक्ट टिक करना है। चलो देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस यानी कि जीरो माइनस सॉरी हाँ जीरो माइनस ये पूरा, तो बेटा ये पूरा है तो ब्रैकेट का यूज करना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना। अब ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन है, ये जो माइनस है ये बाइनोमियल के सामने आ रहा है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्स वन था हमारा, ये है ना, ये पूरा एक्स वन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो प्लस वाई टू दैट इज ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस जीरो, ठीक है, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब सॉल्व करेंगे। चलो बड़ा बड़ा टर्म्स देख के डरा मत करो, चीजें सिंपल ही रहती हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं सोच सोच के, आपको बस पुट करना है। देखो बेटा जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग करोगे यार, जीरो माइनस दिस, तो ये तो यही होना है कि माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जीरो को लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है ना, जीरो को नहीं भी लिखूंगा तो माइनस टाइम्स ऑफ ये तो रहेगा ही, प्लस अगेन दिस माइनस जीरो क्या रहेगा, जीरो से माइनस करने का कुछ साइंस ही नहीं है, यही रह जाएगा, दैट इज ए साइन थीटा प्लस माइनस माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो लगाओ अंडर रूट ऑफ, अगेन देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया,
और ए प्लस बी का होल स्क्वायर की हमको यहाँ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, यानी टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो करेक्ट है ना। तो यहां पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर की यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगेन यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर वो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, करेक्ट। अब देखो पहले ध्यान से, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, वो चीजें आप तुरंत कैंसिल कर लो, सबसे बेस्ट है। जैसे प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा टर्म सेम है, प्लस है ये माइनस है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पर एक और अच्छी चीज आपको ये दिख रही होगी, जो लाइट टर्म है, जैसे देखो ये दिख रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये दिख रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको साथ में लिख लेते हैं, इसको हम पहले साथ में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और वैसे हम इसको बेटा, है ना, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वीडियो जो है मैं दिवाली के समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत नॉइज जो है वो ठीक है, उसके लिए सो सॉरी, होपफुली आप लोग उसको मैनेज कर लोगे, है ना। चलो देखो, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लू, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर को, दोनों में से अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अगेन ये दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो करेक्ट है। नाउ अब आपको अच्छे से मालूम होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, वो आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में, है ना। लास्ट एक्सरसाइज कई लोग भी स्कूल्स में डायरेक्ट कैंसिल करा दिए, जबकि उसको कराना नहीं चाहिए, आपके सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, और ये हमको सीधी आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, वन होती है। तो एक्स क्या आ गया बेटा आपका, अंडर रूट ऑफ, देखो ये आपका हो गया वन और ये भी आपका हो गया वन, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स आ गया आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो निकालने बोला था, हमको बोला था भाई ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस सॉल्यूशन इन योर नोटबुक तो काइंडली, या इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट काइंडली पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट बेटा, और राइट इट डाउन इन अ नोटबुक, ठीक है। हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा डिस्टेंस आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑप्शन इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ दिस मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन इज सी, आपको बोला था डिस्टेंस निकालना है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और मैं तो ये बोलूंगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बेटा लर्न कर लो आप, ये इसका आंसर लर्न कर लो आप, इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया ना एग्जाम में तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा वो, एज इट इज ये क्वेश्चन दे देगा आपको कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना पड़े, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस जीरो, क्योंकि देखो एंगल एंगल कुछ गिवन नहीं है, a cos theta plus b sin theta comma 0 और 0 comma a sin theta minus b cos theta, इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो इट इज अंडर रूट ऑफ a square plus b square। आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप इसके रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, कि अगर एग्जाम में आया और ये चीज दिख गई हमको, तो हमको बिना सॉल्व किए मालूम रहेगा कि भाई आंसर जो है अंडर रूट ऑफ a square plus b square आएगा, तो काफी सारा टाइम बच जाएगा आपका, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट नाइन्थ, द वैल्यू ऑफ y if the distance between the point 2 comma y
एंड माइनस फोर कॉमा थ्री इज टेन इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है बेटा, तो इसको भी हम बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो देखो यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस 10 दिया है, तो यहीं पर निकाल देता हूं मैं शॉर्ट में। अब देखो इन दोनों के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर यहाँ लिख देता हूँ, माइनस फोर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस y का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कितना 10, मस्ट बी इक्वल टू कितना 10। अगर यहाँ जीरो दे देता, अगर यहाँ जीरो दे देता तो क्वेश्चन और इजी हो जाता, इसमें थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा एक काम करता हूँ मैं अंडर रूट हटा देता हूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दू, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर अपन कर दे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस फोर माइनस टू विच इज माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू टेन, मस्ट बी इक्वल टू हंड्रेड, है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा 100। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमको हेल्प मिल जाएगी। तो चलो अब इसको सॉल्व कर दें यहाँ पर। अब देखो माइनस सिक्स का स्क्वायर होता है 36 प्लस अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू 100। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स वाई इज इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये आपकी, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर सॉरी माइनस सिक्स वाई, 36 प्लस 4 हो गया 40, 40 प्लस 5 हो गया 45, तो प्लस 45 ये 100 को इधर ला लो, माइनस 100 मस्ट बी इक्वल टू 0, बोलो करेक्ट है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, अगेन 100, 45 माइनस 100 अगर अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 55, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 55, इट इज माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। अच्छा चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, 11 फाइव जा 55, ये तो साफ साफ दिख रहा है यार, मिडिल टर्म माइनस सिक्स है, 11 फाइव जा करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मेरे हिसाब से आप सबको आता होगा बेटा, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो फुली आप सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 6 वाई, है ना, क्योंकि सॉरी 11 फाइव जा 55 तो प्लस 5 वाई, क्योंकि हमको यहाँ माइनस 6 वाई बनाना है ना, तो माइनस 11 प्लस 5 करना पड़ा तब जाके माइनस 6 वाई बनेगा, माइनस 55 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन y कॉमन ले लें तो ये बचेगा y माइनस 11, और यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं दोनों से तो ये बचेगा y माइनस अगेन 11 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा y माइनस 11 इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम यहां पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि भाई y 11 भी हो सकता है और जो y की वैल्यू है वो माइनस 5 भी हो सकती है। तो y की हमारी वैल्यू या तो 11 या माइनस 5 में से एक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा ये जो इक्वेशन आया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स तो आने ही पड़ेंगे आपके, है ना। तो चलो जल्दी से हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं कि भाई 11 या माइनस 5 आया है कि नहीं आया है कोई ऑप्शन में, 11 और माइनस 5। तो देखो दोनों आंसर तो नहीं दिया उसने, एक आंसर दिया 11, तो आप बिल्कुल 11 को टिक कर सकते हो, है ना, ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट, क्योंकि हमारा एक जो है वो 11 आया है, ठीक है। तो इसका जो है इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11, तो वाई आएगा आपका 11, ठीक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, अगर आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हो ना तो इसके अलावा बोर्ड में और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ, इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफी है, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो, पॉइंट पी 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस and perpendicular bisector of line segment joining the point this and this, true or false? Again देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था आपको, एक देखो क्या दिया है, P 0,2 is the point of intersection of y-axis. अब इसको समझना, point P 0,2, अब देखो यार ये पॉइंट कहाँ होगा,
ये पॉइंट होगा, ये एक्स जीरो है और वाई ये आपका टू है यहाँ पर कहीं है, तो इसको पॉइंट पी ले लेता हूँ विच इज 0.2। तो देखो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखो अब मैं यहाँ पर अच्छे से लिख के बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, अगर ये पॉइंट P है 0.2 और वो बोल रहा है क्या ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट का A -1.1 और B जो है 3.3। अब देखो सीधी सीधी बात है, अगर ये पॉइंट इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या काम करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पर्टिकुलर लाइन होती है जो दूसरे लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है 90 डिग्री के एंगल पे, है ना, टू इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करेगी 90 डिग्री के एंगल पे। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, अब भाई हमको ये चेक करना है कि भाई ये जो पॉइंट पी है, ये वाले जो वाई एक्सिस में जो पॉइंट पी है, ये वाली लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं। तो एक काम करो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड दिया है, बाइसेक्टर का मतलब ये जो है ये मिड पॉइंट है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए और पी के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। होपफुली ये भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि अगर एक लाइन है उसमें दो पॉइंट है a, b और उसका कोई मिड पॉइंट है c और मुझे C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो आप C के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हो, x1 + x2/2 + y1 + y2/2, ठीक है ना। तो इसी को पुट करते हुए मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, जरा देखो क्या हो जाएगा, x1 यानी -1 + 3/2, y1 + y2/2 यानी 1 + 3/2। तो देखो क्या हो गया, तो ये हो गया P -1 + 3 हो गया बेटा आपका 2/2 और 3 + 1 हो गया ये 4/2, तो 2 2 = 4 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये P जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 1.2। P जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 1.2, 0, तो नहीं आ रहा है। तो तुम बताओ मुझे, अगर मैं -1.1 और 3.3 इन दो पॉइंट्स का बेटा मिड पॉइंट निकालू तो क्या ये पॉइंट आ रहा है क्या, P 0.2 नहीं आ रहा है, हमारा P जो आ रहा है वो 1.2 आ रहा है, तो hence it is false, इसका आंसर आएगा false कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है, 0.2 वाला जो पॉइंट है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होना चाहिए, पी 1.2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज रॉन्ग, है ना, होपफुली आपको यहां तक आया होगा समझ में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, p एंड 1, 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ p इज। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू। अभी जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन निकाल के दिया, इस टाइप का क्वेश्चन को, कि जैसे उसमें y निकालना था, इसमें p निकालना है, तो अगेन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आप क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगा, अगर खैर इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ज्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ 0 दे दिया है, तो आप बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ सर्कल हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड द पॉइंट P 5, 0 लाइज ऑन इट, द पॉइंट Q 6, 8 लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, ट्रू फॉल्स कांट से और पैरेलली ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्या बोला है बेटा, A circle has its center at the origin, एक सर्कल है, मैं यहां बना देता हूं, एक सर्कल है जिसका सेंटर यहां है ओरिजिन में, 0.0 में ओरिजिन में है, ठीक है, एंड पॉइंट पी लाइज ऑन इट, ये जो पॉइंट पी जो दिख रहा है तुमको 5, 0 वाला जो पॉइंट है, देखो यहां से अगर मैं देखूं इस 5, 0 वाले पॉइंट को, तो ये कहां दिखेगा बेटा, ये 0 है और x में पॉजिटिव है, यहां तक लाइज ऑन इट, ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल में लाई कर रहा है, देन द पॉइंट q
Q6.8 lies outside the circle. तो क्या ये जो Q जो है वो क्या outside the circle lie करेगा? ये true है कि ये false है? तो बेटा ये तो बिल्कुल true है. देखो यहाँ पर अगर ये P, ये P अगर मैं on the circle भी ले लूँ ना, देखो दिया a circle has its center and a point P lies on it. A circle has its center at origin and a point P 5.0 lies on it. यानी ये सर्कल में कहीं पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है. कितना है ये पॉइंट पी? ये है 5.0. और अगर ये 5.0 है तो ये मैक्सिमम लाइन हो गया ना, यहां से सेंटर से यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? दैट इज 5, व्हिच इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. करेक्ट है? यहां से ले लो ये भी 5 रहेगा, यहां से ये ले लो ये भी 5 रहेगा, रेडियस है. तो रेडियस ही 5 है, रेडियस ही 5 है, यानी एक्स में 5 से ज्यादा तो जाएगा नहीं. तो ये पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा सर्कल में 6.8? अरे नहीं करेगा भाई, 6 यानी क्या 5 से ज्यादा हो गया, उसके रेडियस से ज्यादा हो गया, तो लाइज आउटसाइड द सर्कल. तो क्या ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा? क्वेश्चन में पूछा था, तो यस भाई हाँ, ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा. तो आंसर आएगा आपका ट्रू. ठीक, चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर एट 0 0 एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस इज. अब रेडियस निकालना है, अब तो और इजी हो गया. अब देखो, अब तो मैं सीधा ये डायग्राम बना देता हूं, ऐसे सीधा वाला बिना सर्कल के. द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, अब देखो सर्कल का सेंटर ही ओरिजिन दिया हुआ है, एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -6.8. ये -6.8, ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक 6.8, तो ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट को पास कर रहा है, ठीक है ना, थ्रू द पॉइंट दिस इज. अच्छा, अब आपको रेडियस निकालना है बेटा. अब आप रेडियस कैसे निकालोगे? अब आप रेडियस कैसे निकालोगे? अगेन इट इज वेरी सिंपल. अच्छा एक चीज बताओ, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हु सेंटर दिया है आपको, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है, तो भाई रेडियस नहीं पता चल जाएगा क्या? सेंटर ये है तो रेडियस कितना हो गया यार? 6 यूनिट. अब यहां से माइनस है, यहां पॉजिटिव है, इसलिए माइनस प्लस तो नहीं दिया होगा. अच्छा एक मिनट, द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -6.8, और वो -6.8 से पास कर रहा है. अच्छा पास कर रहा है, तो वो तो -6 कहीं पर भी हो सकता है ना. हाँ करेक्ट है. ठीक है, तो बेटा आपको रेडियस निकालना है ना, तो आपको रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, आपका रेडियस आ जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये दोनों पॉइंट्स का, क्योंकि ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है ना, ये -6.8 है, ये पॉइंट कहीं पर भी लाई कर रहा होगा. मान के चलो ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने यहां बनाया था, यहां कहीं लाई कर रहा है -6.8, और ये सर्कल का सेंटर दिया है, तो भाई सर्कल का यही तो रेडियस हो जाएगा. अगर इस पॉइंट को ऐसा मैं घुमा दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, तो भाई इसका रेडियस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर. तो 0 - 6 = 6 का स्क्वायर, प्लस अगेन 0 - 8 = 8 का स्क्वायर. तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64. अब 36 प्लस 64 कितना होता है भाई? 100, और 100 का क्या है? 10. तो आपका रेडियस कितना आ रहा है? 10 यूनिट. तो आपका रेडियस आ गया 10 यूनिट. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा जल्दी से. इज द पॉइंट दिस आर कोलिनियर. अब आपको अगेन कोलिनियर चेक करना है, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? अब कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने आपको क्या समझाई अभी? आप पहले ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालो. अगर दो सम ऑफ टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस आ रहा है तो वो कोलिनियर होंगे, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं होंगे. अदरवाइज कोलिनियरिटी के लिए एक जो आपका टॉपिक कट हो गया है थर्ड एक्सरसाइज का ट्रायंगल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि हमको सिर्फ चेक करना है कि भाई कोलिनियर है कि नहीं है. तो वो वाला फॉर्मूला भी, जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो बड़ा जबरदस्त है, आप उससे भी चेक कर सकते हो बेटा. अगर एरिया जीरो आएगा तो कोलिनियर होगा, और अगर एरिया जीरो नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा. वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस वाई, ऐसा लिखते हैं इसको, प्लस एक्स अगेन वाई माइनस वाई प्लस एक्स अगेन वाई माइनस वाई. ये फॉर्मूला है इसका, इसमें नंबरिंग आप लिख दो बस. ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3, 1,
और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1, 2, है ना। तो अब अगर आप x1, अब देखो इसको ले लो आप x1 y1, इसको ले लो आप x2 y2, इसको ले लो आप x3 y3, है ना। तो x1 y1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, अगर इसका एरिया जीरो आता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर जीरो नहीं आता है तो हम इसको कोलिनियर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। आई समझ में, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जस्ट आप इसको अप्लाई करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई 14 क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। नाउ अदरवाइज तो आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो भी जिसको इजी लगे वो कर सकता है कि AB का डिस्टेंस निकाल लो, BC का डिस्टेंस निकाल लो, इस इक्वल टू अगर AC के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो इट इज करेक्ट, यानी ये A ले लो इसको, B इसको, C, तो AB का डिस्टेंस निकाल लो फिर BC का डिस्टेंस निकाल लेना, और उन दोनों के डिस्टेंस का सम आपका AC के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। नाउ 15th क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points A4,2 and B8,4, then अब देखो क्या बोला है, if the point P lies on the line segment joining the point this and this, then अब यार देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन सेगमेंट है A और ये है आपका B, A पॉइंट दिया है आपका 4,2 और B पॉइंट दिया है आपका 8,4 और P lies on the same line, P भी इसी में लाई कर रहा है, ये है आपका 2,1, ये आपका 2,1, then अब then क्या बोल रहा है, AP का जो डिस्टेंस है AP is equal to 1/3 of BP और PB is equal to PB या PB is equal to 1/3 of AB और AP is equal to, देखो ये साफ साफ क्वेश्चन रेशियो निकालने वाला है। अब सबसे पहले केस टू वन लेके रेशियो निकालो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करूंगा मैं तो उसे हम पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 2,1, 2,1 ले लेता हूं मैं और रेशियो को केस टू वन मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द रेशियो बी केस टू वन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या हो जाएगा, के इंटू एट, एट के अगेन वन इंटू फोर, तो एट के माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, दैट इज के प्लस वन कॉमा अगेन के इंटू फोर, दैट इज फोर के प्लस वन इंटू टू, तो प्लस टू अपॉन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। अब करना क्या आपको, आप कंपेयर कर दो बेटा, किसी भी एक को कंपेयर कर दो ना, टू को इसके साथ कंपेयर कर दो, तो टू माइनस वन, टू मस्ट बी इक्वल टू एट के माइनस फोर अपॉन के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, टू के प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू सिक्स के माइनस फोर, बोलो करेक्ट है। अब यहां से कॉमन ले लो ना, इसमें से टू कॉमन ले लेता हूं मैं, और यहां से अगर मैं टू कॉमन लूंगा तो यह आ जाएगा थ्री के माइनस टू, ठीक है। तो बताओ ये टू एंड टू गेट कैंसल आउट, टू एंड टू गेट कैंसल आउट, जब टू एंड टू कैंसल हो गया है तो अब तुम मुझे ये बताओ क्या आया, के प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू थ्री के माइनस टू, थ्री के माइनस टू अगेन k को इधर लाओ माइनस टू को उधर ले जाओ, तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री के माइनस के, तो ये आ गया थ्री मस्ट बी इक्वल टू फोर के, तो k आ गया बेटा थ्री बाय फोर, यानी कि m इज टू m का रेशियो आ गया थ्री बाय फोर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खैर ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी आपने बनाया होगा कि रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आंसर हमारा आ रहा है 3/4, यानी कि 3:4, चेक कर लेते हैं। अच्छा सो सॉरी, अभी आंसर तक पहुंचे नहीं है, 3:4, 3:4 का मतलब समझ रहे हो, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 4 है, 3:4 का रेशियो आया है भाई। अभी क्या निकालने बोला था हमको, AP और AB और PB के बीच में रिलेशन है, AP कितना है भाई, तो पहला ऑप्शन है यहीं से अपन देखो, ऑप्शन से ही अपन करेक्ट क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है AP is 1/3 of AB, ऐसा है क्या भाई, AP is 1/3 of AB, AB कितना है टोटल, AB है आपका टोटल आ रहा है कितना है उसका टोटल आपका 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है टोटल 7 है, 7 का 1/4 एक रन है ना, क्या दिया है AP is 1/3 of AB,
इसका वन थर्ड करेंगे तो कुछ आएगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ए भी आपका टोटल कितना है, 4, 5, 6, 7, 7 है ठीक। नाउ नेक्स्ट एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी इज इक्वल टू पीबी भी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट पीबी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एबी, पीबी इज वन थर्ड ऑफ एबी, तो एबी कितना है टोटल 7 है और एबी कितना है 1, तो नहीं गलत है। नेक्स्ट एबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, तो एबी जो है वो एबी का हाफ है, तो एपी कितना है 3 और एबी कितना है, एबी 7 आ रहा है, तो ये भी गलत आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया, कुछ गलती हुई अपने से। यहाँ कुछ गलत लग रहा है यार, यार ये 8 के था ना, मैंने धोखे से 6 के लिख दिया, डेट इज वाई बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। ये 8 के है ना, ये गलत हो गया मुझसे, थोड़ा सा राइट लिखने में गलत हो गया यार, ये 4 के अब ठीक है, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। नाउ इट इज करेक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, ये आपका 4 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 3 है, तो k आपका 1:1 आ रहा है ठीक है। कि अगर ये 1:1 है तो भाई p तो मिड पॉइंट है, मसला ही खत्म हो गया। ap इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, pb, ap इज इक्वल टू pb, यानी ऑप्शन में क्या से b था क्या, ap इज इक्वल टू pb, ap इज इक्वल टू pb, ऑप्शन इज b बेटा, है ना, इसका जो ऑप्शन आएगा वो b आएगा ठीक है। तो चलो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, एक्चुअल में मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर में हो जाए पूरा, लेकिन इसमें क्या है ना कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है ना, तो मैं काम करता हूँ वीडियोस को ना ब्रेक ब्रेक करके ही बनाऊंगा। तो आज के लिए अपन इतना करते हैं, आप पहले 15 क्वेश्चन तक आपका इसको इसको बनाओ, होपफुली मैं जल्दी जल्दी अब आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो हम आगे की क्वेश्चंस की जो लेक्चर है आप वेट करो, जस्ट थोड़े दिनों में आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो बेटा तो चैनल को लाइक कर दो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, और प्लीज जितना हो सके शेयर करो लाइक करो, और भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट मेरी जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपके चैप्टर्स के भी कुछ कुछ वीडियोस मैंने डाल रखा है ठीक है। तो आने वाले समय में एक कंप्लीट चैप्टर का भी मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा एक सिंगल वीडियो लेक्चर में ठीक है। तो चलो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।